आप नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। कल है चौकीदार, कहाँ सो रहा है चौकीदार? आप बहुत समझदार लोग हैं। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार? विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार? के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। लेकिन पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर कर रहे थे, बताओ कांग्रेस वालों ने 70 साल में क्या किया है? मैंने सोचा मैं खड़ा होकर बताऊं, इतने में खड़े जी हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट है वो मुड़े, बोले नहीं इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम से बेच देंगे। अरे भाजपा के लोग कहते हैं कांग्रेस वालों बताओ 70 साल में क्या किया, हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं। अरे भाजपा के साथियों, जो हुकूमत अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। अरे भाई, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार? बहुत शानदार और अलायंस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है। मैं जिन इलाकों में जा रहा हूँ, अभी मैं पड़ोस में रजौरी करके आ रहा हूँ, सभा अभी बफलियाज किया, अब यहाँ किया। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के लिए, अलायंस के लिए बहुत शानदार माहौल है और यहाँ पे अलायंस पूरी क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी। सर, बीजेपी कह रही है कि तीनों की तीनों सीटें हम जीतेंगे। अब ये बीजेपी तो ये भी कह रही थी कि हम 400 सीटें जीतेंगे। पार्लियामेंट में 400 सीटें जीत रहे थे, उसका क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी से ये पूछिए 400 के पार नारे का क्या हुआ? जम्मू कश्मीर के लोगों को मोहब्बत की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी और अलायंस वो मोहब्बत के लिए तैयार है, डेवलपमेंट के लिए तैयार है। आइए एक नए सफर पे चलते हैं जो डेवलपमेंट का सफर है, मोहब्बत का सफर। बीजेपी जो है इसमें जेलों से भी लोगों को छोड़ रही है, क्या लगता है? कश्मीर और जम्मू की आवाम बहुत समझदार है, वो जानती है कौन किसके इशारे पे क्या कर रहा है।